हम लोग 5 क्वेश्चंस देखेंगे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्विज है उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया गया है रिगार्डिंग हिंदू कुश हिमालयन रीजन के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है, द रीजन स्प्रेड्स ऑफ इन अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन सारे रीजन में फैला हुआ है हिंदू कुश रीजन, ठीक है। दूसरा है, द रीजन हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोर ऑफ स्नो एंड आइस आउटसाइड द पोलर रीजन। पोलर रीजन के बाहर, ये जो हमारा पोलर रीजन है इसके बाहर ये सबसे बड़ा जो है क्या कहते हैं आइस वाला रीजन है, ठीक है। और हिंदू कुश रीजन की बात किया जा रहा है, तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, बोथ, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं क्या है। जैसा कि देखिए, हिंदू कुश रीजन बिलोंग करता है अफगानिस्तान भी, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जिस कारण से स्टेटमेंट 1 सही है, ठीक है। दूसरा, इट ट्रांसवर्स अबाउट 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरा का पूरा बेल्ट है, ठीक है। और तीसरा बात है, इट इज़ कंसिडर्ड द थर्ड पोल, इसको तीसरा पोल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या कहते हैं आइस बर्फ जमा रहता है, तो इसी कारण से यहाँ भी बर्फ रहता है, जैसे हिमालयन रीजन में आप खास करके जानते हैं। तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज द थर्ड पोल एंड हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस फॉर क्लाइमेट। तो जानते ही हैं, इट कंटेंस वास्ट क्रायोस्फेरिक जोन्स, फ्रोजन वाटर पार्ट्स एंड इट इज ऑल्सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोर ऑफ स्नो आउटसाइड द पोलर रीजन। ये मैप में देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरा का पूरा रीजन है, ठीक है। ये अपना हिमालयन रीजन जान ही रहे, हिंदू कुश रीजन खास करके इधर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या क्या स्टेटमेंट है। गगनयान विल बी इंडियाज फर्स्ट मैंड मिशन इन स्पेस, जो अंतरिक्ष में गगनयान ऐसा मिशन है भारत का, पहला मिशन कहा जा रहा है जिसमें मैंड मिशन है, जिसमें लोगों को जाना है। दूसरा, गगनयान विल बी लॉन्च्ड बाय पोलर सैटेलाइट PSLV के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तीसरा है, इन स्पेस स्पेस ई विल बी एस्टेब्लिश टू इंक्रीज प्राइवेट पार्टनरशिप इन द स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर में एक प्राइवेट पार्टनरशिप एस्टेब्लिश किया जा रहा है, इंक्रीज बढ़ाया जाएगा। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो राइट आंसर है 3, 1 एंड 3, पहला और तीसरा बस सही है। गगनयान विल बी लॉन्च्ड बाय PSLV के द्वारा लॉन्च नहीं किया जाएगा, बाकी स्टेटमेंट सही है। तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा। गगनयान इज अ मिशन बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 3 फ्लाइट्स विल बी सेंट इन टू ऑर्बिट, ऑर्बिट में 3 फ्लाइट भेजे जाएगा। देर विल बी 2 अनमैंड फ्लाइट्स एंड 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मतलब 2 अनमैंड होगा जिसमें लोग नहीं होंगे और एक में ह्यूमन रहेंगे, ठीक है। द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम विल हैव 3 इंडियन, 3 इंडियन रहेगा एस्ट्रोनॉट उसमें, इंक्लूडिंग अ वुमेन, एक उसमें औरत भी रहेंगी। तो पहला सही हो गया। और GSLV Mark 3 इसमें रहेगा, ऑल्सो कॉल्ड द LVM 3, लॉन्च व्हीकल Mark 3, द 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल इसमें रहेगा। और रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए लॉन्च किया, इन स्पेस सी, पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स टू इंक्रीज प्राइवेट पार्टनरशिप इन द स्पेस सेक्टर। तो यहाँ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी आर रिलेटेड टू रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुआ है उसके लिए 3 कमेटी बताया जा रहा है, इसमें से कौन सा बैंकिंग से रिलेटेड है। नरसिम्हन कमेटी, PJ नायक कमेटी, अभिजीत सेन कमेटी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 1 एंड 2 ओनली। नरसिम्हन कमेटी और अभिजीत सेन कमेटी, दीज आर रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, PJ नायक नहीं है। तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द यूनियन बजट 2021 अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें
प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा दो पब्लिक सेक्टर बैंक का और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है, आने वाले 2021-22 में। और आगे बात कर रहा है, मेनी कमिटीज हैड प्रपोज्ड ब्रिंगिंग डाउन द गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक बैंक्स। वो बहुत सारी कमेटी ने अपना एक प्रकार का कह सकते हैं प्रपोजल दिया था कि जो पब्लिक बैंक का है उसमें गवर्नमेंट का स्टेक 51% से कम किया जाए। नरसिम्हन कमेटी 1998 में बना था, ठीक है, और इसका क्या काम था, द मर्जर ऑफ मेजर बैंक्स विच विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इंडस्ट्री। ये बात मुख्य रूप से इसने कही थी, नरसिम्हन कमेटी ने। दूसरा पीजी नायक कमेटी, ये 2014 में बनी थी, ठीक है। तो पीजी नायक कमेटी क्या कहता है, कन्वर्जन ऑफ पीएसबीज इनटू कंपनीज एज पर द कंपनीज एक्ट, ये बात बताया जा रहा है। फॉर्मेशन ऑफ बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी कंपनी बीआईएसए अंडर द कंपनीज एक्ट, ये सारी बात किया जा रहा था। और अभिजीत सेन कमेटी की बात करें 2002 में जो बना, इज रिलीज टू लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी ऑफ इंडिया, उसके बारे में बात करते हैं। अभिजीत सेन कमेटी 2007 में भी बना, वाज फॉर्म टू स्टडी द इम्पैक्ट इफ एनी ऑन फंडिंग वगैरह के बारे में था, ठीक है, जिस कारण से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया था। आइए चौथे क्वेश्चन पे, आर्टिकल यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट, आर्टिकल 87 प्रोवाइड्स फॉर द स्पेशल एड्रेस बाय, जो राष्ट्रपति का स्पेशल एड्रेस होता है उसके लिए आर्टिकल 87। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति का जो एड्रेस होता है इज द स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, भारत सरकार की जो पॉलिसी होती है उसके बारे में स्टेट करते हैं, एड्रेस जो करते हैं बताते हैं। द एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट इज हेल्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एवरी ईयर, पहला जो सेशन होता है उसमें होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, ऑल ऑफ दीज, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे। तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया होगा, क्या होगा, 4, 1, 2, 3। लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। आर्टिकल 87 जैसा कहा जा रहा है, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, तो सही हो गया। और कमेंसमेंट, पहला सेशन जब भी स्टार्ट होता है आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, जैसे 2019 में हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट उसको एड्रेस किए थे, ठीक है। हाउस टू द पीपल एंड द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, और प्रत्येक वर्ष का पहला सेशन, जैसे 2021 का पहला सेशन बजट सेशन, उसको भी राष्ट्रपति ने संबोधित किया। प्रेसिडेंट शैल इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ दिस ऑफ इट्स समन्स, ठीक है। और आखिरी में एड्रेस वगैरह करते हैं, गवर्नमेंट का ड्राफ्ट वगैरह पढ़ते हैं, यही सारा चीज़ है, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ हाइक इन क्रूड ऑयल प्राइस इन इंडिया, जो क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ा है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो करेक्ट आपको स्टेटमेंट बताना, पहला, इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस कुड डिस्टर्ब इट्स करंट अकाउंट डिफिसिट, भारत का जो करंट अकाउंट डिफिसिट है CAD, कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, इसका मतलब बढ़ जाएगा हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट। दूसरा है, वैल्यू ऑफ इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनीज विल बी पॉजिटिवली इम्पैक्टेड, तो वैल्यू जो है इंडियन ऑयल कंपनी की और गैस कंपनी की, ये मतलब अच्छा रहेगा, ये बढ़ जाएगा, इम्पैक्ट होगा इस पर। रेमिटेंसेस फ्रॉम द पर्शियन गल्फ कुड इन डिक्रीज, पर्शियन गल्फ में जो तेल जहाँ पर खास करके होता है वहाँ पर हमारे लोग जाते हैं, तो वहाँ से जो पैसा कमा के हमारे देश में भेजते हैं, तो कह रहा है रेमिटेंस, वहाँ से जो पैसा आना है फ्रॉम द पर्शियन गल्फ कुड डिक्रीज, तो डिक्रीज कैसे होगा भाई, ये तो इंक्रीज होना चाहिए। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, राइट आंसर क्या होगा इसके अनुसार से। तो करेक्ट आंसर 3 है, 1 और 2, तो पहला और दूसरा सही होगा, तीसरा तो जैसा आपको बताइए गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन, रिसेंटली क्या हुआ, द प्राइस ऑफ ब्रेंट क्रूड क्रॉस द $60 पर बैरल मार्क को जो है वो क्रॉस कर गया है, लगभग एक साल होने चला, पहले $50 पर बैरल बिक रहा था, 20 पे भी पहुंच चुका था कोविड टाइम में। तो ये देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ क्रूड ऑयल प्राइस भारत में क्या असर होगा, इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस विल इंक्रीज द कंट्रीज इंपोर्ट बिल, भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, फर्दर जो CAD है करेंट अकाउंट डिफिसिट वो बढ़ जाएगा, तो स्टेटमेंट वो समझ में आ गया होगा आपको। द वैल्यू ऑफ इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनीज कुड बी पॉजिटिवली इम्पैक्टेड, वो बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। द गवर्नमेंट कुड ग्रेटर वैल्यू फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट, जो भारत सरकार डिस इन्वेस्टमेंट करने जा रही है भारत पेट्रोलियम का, उसमें भी बढ़ेगा। स्टेटमेंट 3 क्या है, रेमिटेंसेस फ्रॉम द पर्शियन गल्फ कुड इंक्रीज, वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे,
करंट अफेयर्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस. थैंक यू.